नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक पंकज शर्मा जी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जियो टीवी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बहुत ही इजी वे में अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे और सक्सेसफुली आपका जियो टीवी जो अपने आपके कंप्यूटर लैपटॉप में रन करेगा। उसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना है सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका है और उस वीडियो पर आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर भी आप लोग जो है उतना ज़्यादा ही सपोर्ट करेंगे। उस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था जिसका मैं आपको सोल्यूशन कॉमेंट में दे रहा था, लेकिन मैं आपको एक नया ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप जो है आसानी से प्ले कर पाएंगे, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस को पाने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर और मैं आपको को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको एक इम्यूलेटर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर लैपटॉप में। तो उसके लिए आप सबसे पहले ब्राउजर पर जाइए एंड वहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा लिब्रॉइड डाउनलोड फॉर पीसी। इस तरीके से आप लिख कर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सेकंड नंबर पर आपके सामने एक वेबसाइट दिखेगा libroid.en.softnic.com। देन आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा एंड वेबसाइट ओपन होने के बाद थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इनकेस अगर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर अगेन यहाँ पर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको प्रोसेस भी बताया जाएगा कि आप जो है किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। सॉफ्टवेयर जो है उसका साइज है 271 MB। तो आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये आपका लो एंड पीसी में भी इजीली तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा और इसमें आप जो है किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। सिंपल आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका जो है वो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको इंस्टॉल करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से आपके डेस्कटॉप के ऊपर उसका जो है आइकन आ जाएगा एंड आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि आप प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ये बहुत ही सिंपल एंड लाइट वेट इमुलेटर सॉफ्टवेयर है जो आपका एक लो से लो भी पीसी के और लैपटॉप के अंदर में जो आसानी से रन कर जाएगा, जिसके ऊपर आप जो है आसानी से कोई भी एंड्रॉइड गेम को प्ले कर पाएंगे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपका जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका डिस्प्ले होगा। हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाए ताकि आपको जो है थोड़ा सा वहाँ पर वेट करना पड़े, तो आप थोड़ा वेट कीजिए ताकि आपका जो है सॉफ्टवेयर वो आसानी से वहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। एंड सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आप जो है इसे थोड़ा सा ओपन करने के बाद वेट कीजिए ताकि आपका जो है सॉफ्टवेयर वो सक्सेसफुली ओपन हो जाए। इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो है ब्राउज़र वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जियो टीवी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और अगर आप प्ले स्टोर से चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन जो इसके ऊपर सूटेबल नहीं है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको जियो टीवी बता रहा हूँ कि आप जो है ब्राउज़र से कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैं इसे फुल स्क्रीन में कर ले रहा हूँ ताकि आपको जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर में टाइप करना पड़ेगा google.com। इस तरीके से आप जैसे टाइप करेंगे आपके सामने गूगल का ऑफिशियल पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा jio tv.apk एंड आपको उसके बाद लिखना है apk pure। इस तरीके से लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट में आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगा apkpure.com एंड उसमें आपको यहाँ पर शो होगा जियो टीवी फॉर एंड्रॉइड, उस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपके ब्राउज़र में ये थोड़ा ऊपर नीचे भी आपको शो हो सकता है, तो आपको वहाँ पर देख लेना और अपने मुताबिक से वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड APK का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो है ये एप्लीकेशन वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है सक्सेसफुली डाउनलोड नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर सकते हैं एंड आपका यहाँ पर जो है ऐड दिखेगा उसे आपको कट कर लेना है। एंड अगेन आपका यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो जियो टीवी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पेज शो होगा। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपका जियो टीवी जो है वो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में इजीली तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा और आपको यहाँ से ओपन कर लेना है और अब आप जो है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में आसानी से जियो टीवी को इस्तेमाल कर पाएंगे। और भी मैंने ट्यूटोरियल दे रखा है अपने
यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। अगर आपका इस प्रोसेस से जियो टीवी आपके कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं रन कर रहा है, तो आप उस सारे प्रोसेस को देख कर अब दूसरे प्रोसेस से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जियो टीवी को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंप्यूटर लैपटॉप में सारा प्रोसेस जो है वो वर्क नहीं करता है। तो मैंने आपको दो तीन वीडियो और दे रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पर जियो टीवी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है, देन सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका वहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे इंटर करने के बाद आपका जियो टीवी जो है सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर लैपटॉप में रन हो जाएगा। अभी हमारे पास जियो का कनेक्शन नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर लाइव प्ले करके दिखाता है टीवी। जियो टीवी को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जियो का कनेक्शन होना नेसेसरी है, और आप जो है जियो का आपके पास एक प्रीपेड नंबर या फिर आप जो अभी नंबर इस्तेमाल करते हैं जियो का, पोस्टपेड या फिर प्रीपेड, वो नंबर आपके पास होना जरूरी है। एंड उसका मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप जो यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके के लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस को पाने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है सारी स्टेप को फॉलो करने में, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से कोई भी अगर आप ट्यूटोरियल वॉच किए हैं जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है टेक्निकल शर्मा जी, और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।